आपकी एक सबसे गंदी चीज मेरे को ये लगी जेब में दोनों भी। और अगर आपको पैसे बचाने हैं तो वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको एक बेस्ट डे बताऊंगा, उस दिन पे आपको आना है। ऐसे दबा दूंगे ये साल्टी सोलला तरी चाले पण रुतबा कमी झाला नाही पाहिजे। हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है चिन्मय और आप देख रहे हो चिन्मय चवन व्लॉग्स। तो गाइस, आज है 12th of April और आज हम आए हैं एक्वा इमेजी का वाटर पार्क, तो जो कि है खोपोली में। तो यहाँ पे आने के अब आपको ट्रेन मिलेगी खोपोली की, तो आपको नियरेस्ट स्टेशन खोपोली है आगा, तो वहाँ से आपको ऑटो करके आना पड़ेगा अगर यहाँ पे आना पड़ेगा तो। तो ऑटो का फेयर रहेगा, अगर आप प्राइवेट ऑटो कर रहे हो तो उसका 200 रुपीज़, और आप शेयरिंग से आ रहे हो तो उसका होगा 70 रुपीज़। और अगर आपको बस से आना रहेगा तो बस का फेयर, प्राइवेट बसेस रहते हैं वहाँ पे, तो उसका फेयर कुछ 20 रुपीज़ रहता है। तो और हम लोग तो रोड से आए, अभी टाइम हो रहा है 12 o'clock, तो हम लोग को थोड़ा ट्रैफिक मिला रोड पे, तो इसके वजह से अभी 12 बज गए। और लॉकर लिया अभी हम लोग ने, और लॉकर का हुआ 400 टोटल, 200 रुपये डिपॉजिट और 200 रुपया अपने को जब अपन जब की सबमिट करेंगे उसके बाद उसका रिफंड मिलेगा। तो लेट्स सी, अभी एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ की एक सबसे गंदी चीज़ मेरे को ये लगी कि अंदर हेड माउंट, सेल्फी स्टिक, ट्राईपॉड, कौन से भी माउंट अलाउड नहीं है, बस गोप्रो अलाउड है। तो बस गोप्रो से कैसे शूट होगा अभी मेरे को वो डाउट है सबसे बड़ा, गोप्रो से शूट कैसा होगा, क्योंकि ग्रिप मिलेगी नहीं, और अगर ग्रिप नहीं मिली, क्योंकि मेरे पास सिलिकॉन का कवर भी नहीं है जो गोप्रो का गोप्रो में आता है, अगर वो रहता तो उससे थोड़ा वो ये रहता, उस पर बैंड रहता, तो उससे अपन कर सकते थे। लेट्स सी अभी कैसे क्या होता है। गाइस, आप एक्वा इमेजी का मैप देख सकते हो, इसमें की मेन राइड है ये वाली, ये कोन वाली है, और ये इधर के जो भी है ना वो सबसे मतलब मेन राइड से देखा जाएगा। तो 90 किधर है, 90 डिग्री वाली राइड, हाँ ये वाली आएगा 14, ये जो है मैं क्या बोलता पहले इसमें जाते, नहीं तो बोलता हूँ लाइन से चलते हैं, जिसमें कम लाइन रहेगा उसमें जाते। चलो भाई। तो गाइस, अभी वी जस्ट एंटर्ड आवर वाटर पार्क और देखते कितना क्राउड है। पहले थोड़ा गीला होते, थोड़ा नॉर्मल एक छोटे से गीला होते, जरा चिंब हो जाते क्या, गीले होते तो जितने भी व्लॉगर्स हैं यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही सैड न्यूज़ है कि सेल्फी स्टिक ना अपना ये ट्राईपॉड ना हेड माउंट, चेस्ट माउंट, कौन से भी माउंट अलाउड नहीं, बस एक बस गोप्रो आप लेके जा सकते हो और उसके साथ एक्स्ट्रा बैटरी। तो पूरा मेरे को काउंटर पे रुका और जो मेरा गोप्रो को छोड़ के जो एसेसरीज थी सब वहाँ पे कलेक्ट कर दी, मतलब मैंने कार में रख दिया है। और वही अभी क्या रूल है इनका पता नहीं, कोई ग्रुप रहेगा तो कैसे सेल्फी निकाल सकते हैं, किसी को निकालना रहेगा, सेल्फी स्टिक नहीं है, देखते हैं। और अगर आपको पैसे बचाने हैं तो वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको एक बेस्ट डे बताऊँगा, उस दिन पर आपको आना है और सबसे सुपर ऑफर मिलने वाला है आपको, वीडियो को एंड तक देखना, मैं बीच में बता दूंगा आपको। तो लेट्स सी, अभी राइड एंजॉय करते हैं अपना अपने साथ अपना भाई। तो यस, देखते हैं अभी कौन सी राइड अपने को नज़दीक गिरती है। तो यस सी, तुम लोग पहले राइड ये वाले मैट स्लाइडर वाले राइड में जा रहे हैं अपन, और इसका इधर नाम है जिप जैप जूम, तो ये राइड में जाएंगे, काफ़ी बड़ी राइड है ये देखने में। और अभी मैट के लिए लाइन लगा रहा है, लेट सी अभी मैट लेते और फटाफट ये वाले राइड पे जाते हैं, मैट के लिए भी लाइन है। एक्सप्रेस टिकट भी था बट अपन ने नॉर्मली लिए, एक्सप्रेस वाला नहीं लिए। सो गाइस, टाइम फॉर मैट रेसर, जेब में दोनों भी, दोनों
क्रेजी था बोले थे गॉगल्स और अपना GoPro अंदर रखने के लिए, बट क्रेजी था भाई वो जो 90 आता ना वहाँ से, दैट वाज अमेजिंग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं 90 में, और ये जो कैमरा स्पीड बुक 4 सेकेंड 5-6 सेकेंड मिनिमम वेट कैटेगरी से 45 to 130 वेट चाहिए राइड में अपने को जाने के लिए। अपना तो सब फिट है, अपन बीच में आ रहे और अभी हम लोग बहुत क्लोज है, देखते अभी। ऐसे दबा दूँ ये ऐसा दबा जा You can do it, come on. King Bunny, how are you feeling? What's your feeling? Done with this ride. और डेथ को देखने आए होंगे हेवन, हेवन में थे जब वहाँ से नीचे आए ना गाइस, एक्सपीरियंस करने जरूर हो अगर आप यहाँ पे नहीं और आए रहे होंगे तो। वन टाइम एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे आने का, बहुत क्रेजी था एक्सपीरियंस। कैसा होता है एक्सपीरियंस उनका? खूब चार अति से सुंदर एक तरी ये यस 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 गाइस, एक बार आके जाओ, मस्त मस्त एक्सपीरियंस था। तो चलो अभी देखते हैं एक एक करके कौन से राइड। तो कैमरा अलाउड नहीं था वहाँ पे वो राइड के अंदर, तो मैं टी शर्ट में डाल के GoPro को उसको लपेट के लेके आया राइड में। तो अगर आप भी अगर GoPro अगर लेके आ रहे हो तो उसी हिसाब से लेके आ सकते हो, राइड में आप बिल्कुल चालू नहीं कर सकते और कुछ भी रिंग्स ईयर रिंग्स चेन वगैरह कुछ भी नहीं अलाउड है अंदर। लेट्स सी अभी एक और एक राइड के लिए लाइन लगा है, देखते कब तक नंबर आता है। बहुत शोर है यहाँ पे, ट्विस्टी टर्मी में यहाँ पे ट्यूब लेके दो लोग का राइड है और इसका वेट कैपेसिटी 55 से 110 केजी। क्या अभी यहाँ पे फटफट जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कैमरा अलाउड है कि नहीं, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। Oh!
पैसा वसूल है भाई, पैसा वसूल। गलत लैंडिंग हो चुकी है। चिन्मय हो गए सारी रे ब्रो सारी क्लैश स्टूडियो में अनलिमिटेड फूड का मेनू है, देख लो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट मार के, क्या पता चेंज भी होगा। टाइमिंग 1 से 4 है इसका बस। तो यहाँ पे लिमिटेड वाला देख लो आप क्या क्या है, वेज ओरिएंटल और इंडियन चिकन मील में। थोड़ा जूम करता हूँ तो ये प्राइस रेट है इसका वेज चिकन का, और ये वाला है वेज का 343 रुपीज़ मील ओरिएंटल और इंडियन वेज मील का। देखते हम लोग अनलिमिटेड का सोच रहे हैं क्योंकि अनलिमिटेड में कुछ काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, लेट्स सी अभी देखते हैं। तो फिलहाल हम लोग ने अनलिमिटेड वाला मिल लिया और फिलहाल मैंने इतना चिकन और ये सब लिया है और देखते सेकंड राउंड तक अनलिमिटेड का पैसा वसूल होता है कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो उस हिसाब से आप अपना मिल चॉइस करो, लिमिटेड करो या अनलिमिटेड, देखते अभी। सोचे तो अनलिमिटेड वसूल करेंगे बट लेट्स सी क्या होता है। अभी मेरा थर्ड राउंड चालू है और मस्त यहाँ पे लेग पीस वगैरह। अरे फक। सो गाइस डन विद द लंच, और ऑनेस्टली बोलूँ तो अनलिमिटेड के लिए आप लोग मत जाओ, अगर जनरली आप लोग खा सकते तो ही जाना। फिर पेट फटाक से भर गया सेकेंड राउंड में मेरा। मेरे जैसे खा सकते तो अनलिमिटेड के लिए आना भाई, रात है पब्लिक। अगर आपका एपिटेट छोटा रहेगा तो जस्ट गो फॉर लिमिटेड, लिमिटेड ही अच्छा था देखने जाएगा। Finally bro
फाइनली टेक के बाद अभी वीडियो प्रॉपर आया है। क्या हुआ भाई? सो गाइस अभी हम आए थे ये वाली राइड पे। सो यहाँ पे एक छोटा सा हादसा हो गया अपने चिन्मय भाई के पास, उसका बैलेंस गया था और आप देख सकते हो बैलेंस गया था और यहाँ पे प्लेयर इंजर्ड हो चुके हैं हम लोग और पूरा टी शर्ट वगैरह फट गया था गाइस। टी शर्ट फट गया, सोचो गाइस इतना गंदा दिन। तो कभी भी तुम आओगे तो लाइक सेफ्टी ध्यान रखना हमेशा, नहीं तो चिन्मय भाई जैसे चल रहा है भाई, पूरा छिल गया, पूरा उसका हाथ बहुत गंदी तरह से छिल गया। अभी हम बाइक से भी कभी इतना गंदा नहीं लगा है मेरे को, बाइक से गिरा हुआ कभी। तो प्लीज़ ध्यान रखना गाइस। तो अभी फिर से जाएंगे हम दूसरी राइड पे। साल्टी सोलला तरी चाले पण रुतबा कमी झाला नाही पाहिजे हे बघा। साल्टी गेली तरी चालेल पण रुतबा कमी होता कामा नये गाइस। साल्टी गेली तरी, साल्टी खरोखर गेली, आपल्या भावाची साल्टी खरोखर गेली, तुम्ही बघू शकता बघा भावाची साल्टी गेली पण भावाचा रुतबा काय कमी नाही झाला गाइस। कुछ नाही गाइस, छोटे छोटे इंसिडेंट होते रहते, क्या ही कर सकते यार। मेरे को लगा उसका बुरा नहीं लग रहा, मेरे को जर्सी पड़ गया हाथ से, उसका बुरा लग रहा है भाई, उसका एक्सपल्स का जर्सी फटा उसका बुरा लग रहा है क्या। तो नेक्स्ट राइड पे जाते हैं अभी, क्या बोलते हैं? जाते हैं भाई, लेफ्ट मार लेफ्ट का। चलो फिर गाइस। डे और काफ़ी मज़ा आया सारे राइड्स में। कुछ कुछ राइड्स में कैमरा अलाउड नहीं थे तो उसका एक्सपीरियंस नहीं दे पाया, जिसमें अलाउड था उसमें दे पाया, उसमें उसका वीडियो आप देख लोगे। और अगर आपको भी एकदम रीजनेबल प्राइजेस में टिकट चाहिए रहेगा तो आप वेनसडे को बुक करना। तो हम लोग को आज के टिकट प्राइस गिरा था 943 रुपीज़, जो कि काफ़ी रीजनेबल है एक्वाइमेजी का जैसे एक बड़े रिसोर्ट पर। और अगर और आप जल्दी अर्ली बर्ड में बुक करोगे तो आप उसकी टिकट कुछ 700 या 750 में भी मिल जाएगी। उसके लिए आपको आई गेस 2 वीक्स पहले बुकिंग करना पड़ता है उस वेनसडे का। तो यस दैट्स फॉर द डे और देखते हैं अभी यहाँ से निकलते, अगर कुछ और अपडेट मेरे को याद आएगी तो मैं आपको दे दूँगा, नहीं तो वीडियो को यहाँ तक ही रखते। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो लाइक का बटन दबा दो और चैनल पर नए हो तो कंसिडर कर दो सबको कि सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलता है सब्सक्राइब करके। आपको तो फ्री है, वो लाल कलर का बटन है ज़रूर दबाना, मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। तो यस आई होप गाइस वीडियो सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।